अगर आप अपने डीएल का रेफरेंस स्लिप या एप्लीकेशन स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आप देख सकते हैं रेफरेंस स्लिप। आप यहाँ पर क्लिक करके आसानी पूर्वक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। वीडियो पसंद आए हमारी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटे पर प्रेस करें, उसके बाद ऑल पर सेट कर दें, जिससे क्या होगा इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, कमेंट पे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा जो आपने अभी देखा हुआ है। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं डीएल घर बैठे कैसे बनाएं, तो ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित बहुत सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं डीएल रेफरेंस स्लिप डाउनलोड कैसे करें। डीएल रेफरेंस स्लिप डाउनलोड करने के लिए आपको परिवहन सेवा की वेबसाइट ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आप जो है यहाँ पहला जो ऑप्शन देख पा रहे होंगे ड्राइवर लर्नर लाइसेंस, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ओपन हो जाता है आपको यहाँ लाइसेंस मेनू दिखाई दे रहा होगा, ये देख पा रहे हैं लाइसेंस मेनू, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आप देख पा रहे होंगे सबसे नीचे लास्ट में एप्लीकेशन स्टेटस पीले कलर में, ये देखिए एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सही सही डालेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, तो आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि एप्लीकेशन नंबर कैसे निकालें। ठीक है, वो वीडियो देख करके आप अपना एप्लीकेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं, कैप्चा फिल करें, उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो अभी हम सबमिट करते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आप सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन नज़र आएगी, तो यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक करके कट कर देना है। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे प्रिंट कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अभी ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो रहा है, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पसंद आया है कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं आइकन, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये पीडीएफ यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये नीचे देख पा रहे होंगे एक सेव का बटन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करना है सेव पे, और ये पीडीएफ आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।